मेवाड़ है, जहाँ हमारे आदिवासी जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, चित्तौड़ के कुछ इलाके, ये आदिवासी बेल्ट के अंदर आते हैं। आजादी के 70 साल बाद पार्टियों ने वोट तो लिए, लेकिन आदिवासियों की खातिर कोई ज्यादा कुछ काम पार्टी ने आदिवासियों बेल्ट के अंदर नहीं किया। मैं खुद मेवाड़ के अंदर गया था, न तो सड़कें हैं, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, न कोई रोजगार है और न कानून का राज है। मेवाड़ भगवान की कृपा से ही आगे चल रहा है। आज गुजरात और मध्य प्रदेश बॉर्डर दोनों राज्य नजदीक आते हैं। खाद्य सुरक्षा के अंदर जो लोग जिनकी वापसी वापिस हो रही है गुजरात और मध्य प्रदेश से, हमारे बॉर्डर से जो लोग यहाँ के रहने वाले कमा के खाने के लिए जो वहां गए अब वापिस आ रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के नाम पर जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे एपीएल बीपीएल खाद्य सुरक्षा के अंदर, उनको तो सरकार सहायता दे रही है, लेकिन हजारों लाख लोग इस देश के अंदर, इस मेवाड़ के अंदर ऐसे भी है जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक घर तक राशन जाए, राशन सामग्री जाए। इसके अंदर मैं एक मांग ये भी करूंगा कि पहले तो शुरू के अंदर तो हर कोई व्यक्ति प्रत्येक भूखे को भोजन कराने की बात करता था, प्रत्येक घर तक राशन की बात करता था।